किनारे खड़े सैकड़ों ट्रक और आवारा जानवरों के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें आम लोगों की जान चली जाती है। आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर प्रशासन की नींद खुली और आनन फानन में आवारा जानवरों के पकड़ने के लिए मुहिम चलाई गई। शहर से लेकर गांव तक पशुपालकों को हिदायत देने के साथ साथ FIR दर्ज की गई। शासन के निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर मिल रही शिकायतों का जायजा लेने हमारी टीम रीवा सिमरिया मार्ग पर पहुंची, जहां पुरैनी मोड़ से लेकर साव तक लगभग एक सैकड़ा ट्रक रोड के किनारे खड़े मिले और इतने ही जानवर बीच सड़क पर बैठे मिले। सबसे बड़े ताजुब की बात तो यह रही कि मौके पर ही इन्हीं आवारा जानवरों से टकराकर बाइक सवार घायल पड़े मिले। हमारी टीम के द्वारा घायल पड़े लोगों को बाहर निकाला गया और सड़क के किनारे खड़े सैकड़ों ट्रक चालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वेयर हाउस से अनाज लोड करने आते हैं, एक सप्ताह से सड़क के किनारे खड़े हैं लेकिन अनाज लोड नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भूखे प्यासे सड़कों पर समय व्यतीत करते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के कई असामाजिक तत्व उनके साथ आए दिन गाली गलौज भी करते हैं। इस परिस्थिति में भी उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करते हुए सड़कों पर अपना समय काटना पड़ता है। आपको बता दें कि सड़क के चारों तरफ खड़े वाहनों के बीच से कभी भी जानवर निकलकर सामने आ जाते हैं, जिसके चलते रास्ते से निकलने वाले लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मौके से सड़क का हाल और दिखाते हैं कि किस तरह से बाइक सवार जानवरों से टकराने के बाद गिरा और उसकी जान बाल बाल बची। साथ ही स्थानीय लोगों का क्या कहना है, जिसे सुन देख आप अनुमान लगा लेंगे कि प्रशासन के निर्देशों का पालन कितना हो रहा है और लोगों की जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहाँ गए? यहाँ एक बार जो हमारे लोगों ने गाड़ी लग जाती थी, दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। नहीं मतलब आप जैसे प्रधानमंत्री रोडों में सिंगल जो रोड है वहाँ पे भी गाड़ियाँ 10-20 गाड़ियाँ है, 20-22 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी। तो आप बताइए, आप वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर लिए तो वहाँ की आम जनता जो है वो कैसे जाएगी, कैसे निकलेगी? नहीं निकल पाएगी। बताइए ना, ये समाधान कौन करेगा? गोदाम वाले ये है पुरैनी मोड़ रुद्ध वेयर हाउस का हाल, जहाँ की कर्मचारी अथवा यहाँ के राहवासी आवागमन जो भी है वो ही पूरा अवरुद्ध है और ग्राम भी वासी भी इस घटनाओं से काफी परेशान है। ऐसे ऐसे मारपीट हुई आपके साथ? बिल्कुल नहीं, आवाज़ लगा है अंदर से। मारपीट हुई आपके साथ? मारो लगा चट्टी लेके भागा। ये इनके साथ मारपीट हुई है? चट्टी लेके भाग गया ना अंदर। वेयर हाउस वाले मारे हैं आपको? वेयर हाउस वाले मारे हैं, चाटे लेबर है। हाँ वेयर हाउस वाले मारे हैं। हो ठीक है, ये आपकी आवाज को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, शायद शासन प्रशासन और वेयर हाउस मालिक शायद आपके ऊपर गंभीरता से आपके